देश के सभी वर्ग के महिला कर्मियों हो जाओ सावधान। चाहे आप आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, तो आप सभी लोग सावधान हो जाए, क्योंकि आपकी एक गलती से आपकी नौकरी भी जा सकती है। केंद्र सरकार ने पत्र जारी कर दिया है और सभी विभागों को आदेश भी जारी हो चुका है। आप लोगों को आगे खबर में पत्र के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं कि आप तमाम महिला कर्मचारियों को लेकर के विभागों को क्या निर्देश दिया। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और जो भी सरकारी आदेश जारी हुए हैं उसके माध्यम से आप तमाम महिला कर्मचारियों को बताने का काम करते हैं कि आप लोगों को किन बातों का अटेंशन रखना है। अगर अनजाने में भी आप इस खबर को नहीं देखते हैं और आप एक गलती छोटी सी भी कर देते हैं तो आपको अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए आप लोग समझिए कि ये खबर कितना इम्पोर्टेंट है। तमाम महिला कर्मचारियों को लेकर के जो बड़ी खबर विभागीय स्तर से पत्र जारी हुआ है उसके माध्यम से बताएंगे, तो ये खबर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसीलिए इस खबर को पूरे समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, क्योंकि महिला कर्मचारियों के भविष्य की बात है और अगर आप लोग इस खबर को इग्नोर करते हैं तो फिर आप लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाली है। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को जानकारी जो विभागीय स्तर से आई है उसके बारे में बताने का काम करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अभी अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक पत्र जो कि विभागीय स्तर से पत्र आई है, तो जैसा कि आप लोग पत्र में डेट भी देख रहे होंगे कि 10/4/2024 को यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी, समस्त मुख्य सेविकाएं और जितने भी उनके साथ महिला कर्मचारी है, यानी कि तमाम जो आउटसोर्स से महिला कर्मचारी काम कर रही हैं, उन सभी पर ये लागू होने वाली है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आप अवगत हैं कि दिनांक 16/3/2024 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आपको किसी भी दशा में आदर्श आचार संहिता का किसी भी स्तर से उल्लंघन न हो, इस हेतु पूर्व में पत्र भी उपलब्ध कराया गया था। मतलब कि स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहना है कि आप लोगों को ये बताने को लेकर के विभागीय स्तर से एक और पत्र जो है पूर्व में जारी किया गया था, लेकिन फिर से आप लोगों को रिन्यूअल याद करवाने को लेकर के जो है फिर से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आदर्श आचार संहिता को दृष्टिगत रखते हुए आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय या सह गोदाम में किसी भी जनप्रतिनिधि का फोटो चस्पा ना हो। मतलब से विभाग का कहना है कि आपके गोदाम में या फिर आपके केंद्र पर किसी भी प्रकार का किसी भी प्रतिनिधि का कोई फोटो या फिर कोई बैनर नहीं लगा हो। साथ ही कहा गया है कि ड्राई राशन के वितरण करते समय पॉलिथीन आदि में किसी भी जनप्रतिनिधि का फोटो चस्पा ना हो, कोई भी ऐसा बैनर या पंपलेट अथवा प्रचार प्रसार संबंधित कोई भी प्रदर्शित वितरण ना करे। आगे बताते चले कि कहा गया है आप स्वयं एवं मुख्य सेविकाएं किसी भी जनप्रतिनिधियों की रैली अथवा कार्यक्रम में प्रतिभाग ना करे एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिका को भी रैली अथवा कार्यक्रम में प्रतिभाग ना करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करे। अगर किसी भी विभाग के महिला कर्मचारी चाहे आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, साथ में जितने भी एमडीएम रसोईया के कर्मचारी हैं, उन सभी को कहा गया है कि यदि कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हेतु बाध्य होना पड़ेगा एवं वह स्वयं उक्त हेतु उत्तरदायित्व होगी। बता दें इस बाबत तमाम जिलों के कार्यक्रम पदाधिकारियों को इसके बारे में निर्देश दिया गया है और साथ ही तमाम विभागों को भी आदेश दिया गया है कि सभी केंद्रों पर इस चिट्ठी को भेजने का काम करे और एक एक महिला कर्मचारियों को इसके बारे में बताने का काम करे, जिससे वो किसी भी प्रकार के चुनावी संबंधित दौरा में वो शामिल नहीं हो सके। देखिए निर्वाचन आयोग का साफ और स्पष्ट रूप से कहना है कि किसी भी महिला कर्मचारी अगर वो सरकारी विभागों में काम कर रही हो, आउटसोर्स से काम कर रही हो, अवर्गीकृत कर्मचारियों के रूप में काम कर रही हो, तो ऐसे महिला कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना स्वीकार नहीं होगा और महिला कर्मचारियों पर कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाएगी। इसीलिए आप तमाम महिला कर्मचारियों से खास अपील किया गया है कि आप लोग किसी भी प्रकार के जो जनप्रतिनिधि है जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके रैली में आप लोगों को शामिल नहीं होना है और आप लोगों के केंद्रों पर किसी भी प्रकार के किसी भी जनप्रतिनिधि का फोटो बैनर या भी किसी भी प्रकार का कोई भी पॉलिथीन नजर नहीं आना चाहिए, जिसको लेकर के कार्यक्रम पदाधिकारियों ने सभी विभागों को नोटिस जारी कर दिया है और इसको लेकर के अब मुहिम भी चलाई जाएगी और तमाम महिला कर्मचारियों के केंद्रों पर आकर के जाँच भी होगा। इसीलिए तमाम महिला कर्मचारियों को कहना है कि आप लोग आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए आप लोग एक सरकार के अंग हैं, ये आप कभी मत भूलिएगा और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी सामग्री आप लोग अपने केंद्रों पर ना रखिए।
करिएगा जो ताल्लुकात रखते हो किसी भी जनप्रतिनिधि से, क्योंकि इसके बाद जो है आप लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो इससे आप लोगों को अटेंशन रहना है और किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री ना ही किसी से लेना है और ना ही किसी के बारे में प्रचार प्रसार करना है। आप तमाम महिला कर्मचारियों को बताते चले कि आप लोगों के पदों को संवैधानिक पद घोषित करने से आप लोगों के स्थायी का रास्ता खुल चुका है और आप लोग कोई ऐसी भी गलती कर देंगे जिससे सारा किया धरा पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए तमाम महिला कर्मचारियों को कहना चाहते हैं कि आप लोगों को लेकर के सरकार जिस प्रकार से सक्रियता दिखा रही है और चुनाव आयोग का जो आप लोगों के हितों में निर्देश है कि आप लोग किसी भी प्रकार की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगी, तो आप लोग प्रण कर लीजिए कि आप लोगों की ऐसी कोई काम नहीं करना है, किसी भी प्रतिनिधि के संपर्क में नहीं आना है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को चुनाव प्रसार के लिए जनप्रतिनिधि जो है लुभाने का काम करे, आप लोगों को पैसे देने का काम करे। तो आप लोगों को इस प्रकार की कोई भी अटेंशन प्रक्रिया को नहीं करना है जिससे आप लोगों को आगे चलकर परेशानी हो सके, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि तमाम महिला कर्मचारियों के पदोन्नति को लेकर के भी सरकार काम करने को लेकर के आगे आ रही है। ऐसे में किसी भी महिला कर्मचारी के ऊपर अगर दाग लग जाता है इस प्रकार के, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को इसका जो है खास ध्यान रखना है, क्योंकि महिला कर्मचारियों को सर्वोपरि मानते हुए सरकार ने स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जारी कर दिया है और ये गाइडलाइन जो है निर्वाचन आयोग के तरफ से जारी हुआ है और ये देश के तमाम राज्यों के महिला कर्मचारियों के लिए जारी हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य के खास लोगों के लिए ही जारी हुआ है, नहीं, ये तमाम राज्यों के लिए जारी हुआ है और तमाम राज्यों में महिला कर्मचारी लगातार अपने कर्मों निष्ठा से काम कर रही है। साथ ही बताना चाहेंगे कि महिला कर्मचारियों की जो जनसंख्या है 37 लाख के करीब महिला कर्मचारियों की जनसंख्या है और इसके लिए कार्यक्रम पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि महिला कर्मचारियों पर कड़ी नजर रखे, क्योंकि महिला कर्मचारियों को मानदेय कम मिलता है, इसको लेकर के वो कहीं फायदा उठाने को लेकर के काम नहीं कर रहे हो, इस प्रकार की प्रतिक्रिया को ध्यान देने को लेकर के स्पष्ट हिदायत दी गई है। जिस प्रकार से मैंने आपको खबर में पत्र के हिसाब से दिखाने का काम किया है, जो कि विभागीय स्तर से पत्र जारी की गई है, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग महामहिम राष्ट्रपति से मिलकर आप लोगों के मानदेय NPS मेडिकलेम पॉलिसी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सप्ताह में छुट्टी राष्ट्रीय छुट्टी EPFO ESI अनुकंपा ग्रेचुएटी रिटायरमेंट तमाम चीजों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति से निर्वाचन आयोग मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग सख्त आदेश जारी कर रहे हैं कि महिला कर्मचारी किसी भी प्रकार से कोई भी जनप्रतिनिधि के संपर्क में नहीं आए और किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र के लिए आप चुनाव प्रसार नहीं करें, इसको लेकर के वो सख्त हिदायत दे रहे हैं। तो आप तमाम महिला कर्मचारियों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों की एक एक मांग को मानी जाएगी, जिसके बारे में जो है निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से महामहिम के साथ मिलकर और सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित करवा दिए हैं, लेकिन उसके लिए जो है आदर्श आचार संहिता की जो भी गाइडलाइन महिला कर्मचारियों के लिए लागू हुई है उसको आप लोगों को अच्छे तरीके से पालन करना होगा। देश के सभी वर्ग के महिला कर्मियों हो जाओ सावधान, चाहे आप आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी ANM और NHM के कर्मचारी हैं, तो आप सभी लोग सावधान हो जाए, क्योंकि आपकी एक गलती से आपकी नौकरी भी जा सकती है। केंद्र सरकार ने पत्र जारी कर दिया है और सभी विभागों को आदेश भी जारी हो चुका है। आप लोगों को आगे खबर में पत्र के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं कि आप तमाम महिला कर्मचारियों को लेकर के विभागों को क्या निर्देश दिया गया। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और जो भी सरकारी आदेश जारी हुए हैं उसके माध्यम से आप तमाम महिला कर्मचारियों को बताने का काम करते हैं कि आप लोगों को किन बातों का अटेंशन रखना है। अगर अनजाने में भी आप इस खबर को नहीं देखते हैं और आप एक गलती छोटी सी भी कर देते हैं तो आपको अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए आप लोग समझिए कि ये खबर कितना इम्पोर्टेंट है। तमाम महिला कर्मचारियों को लेकर के जो बड़ी खबर विभागीय स्तर से पत्र जारी हुआ है उसके माध्यम से बताएंगे, तो ये खबर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसीलिए इस खबर को पूरे समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, क्योंकि महिला कर्मचारियों के भविष्य की बात है और अगर आप लोग इस खबर को इग्नोर करते हैं तो फिर आप लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाली है। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को जानकारी जो विभागीय स्तर से आई है उसके बारे में बताने का काम करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अभी अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक पत्र जो कि विभागीय स्तर से पत्र आई है, तो जैसा कि आप लोग पत्र में डेट भी देख रहे होंगे कि 10/4/2024 को यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से
लिखा हुआ है, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी, समस्त मुख्य सेविकाएं और जितने भी उनके साथ महिला कर्मचारी है, यानी कि तमाम जो आउटसोर्स से महिला कर्मचारी काम कर रही हैं, उन सभी पर ये लागू होने वाली है। जिसमें कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप अवगत हैं कि दिनांक 16/3/2024 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आपको किसी भी दशा में आदर्श आचार संहिता का किसी भी स्तर से उल्लंघन न हो, इस हेतु पूर्व में पत्र भी उपलब्ध कराया गया था। मतलब कि स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहना है कि आप लोगों को ये बताने को लेकर के विभागीय स्तर से एक और पत्र जो है पूर्व में जारी किया गया था, लेकिन फिर से आप लोगों को रिन्यूअल याद करवाने को लेकर के जो है फिर से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आदर्श आचार संहिता को दृष्टिगत रखते हुए आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय या सह गोदाम में किसी भी जनप्रतिनिधि का फोटो चस्पा ना हो। मतलब से विभाग का कहना है कि आपके गोदाम में या फिर आपके केंद्र पर किसी भी प्रकार का किसी भी प्रतिनिधि का कोई फोटो या फिर कोई बैनर नहीं लगा हो। साथ ही कहा गया है कि ड्राई राशन के वितरण करते समय पॉलिथीन आदि में किसी भी जनप्रतिनिधि का फोटो चस्पा ना हो। कोई भी ऐसा बैनर या पंपलेट अथवा प्रचार प्रसार संबंधित कोई भी प्रदर्शित वितरण ना करे। आगे बताते चले कि कहा गया है, आप स्वयं एवं मुख्य सेविकाएं किसी भी जनप्रतिनिधियों की रैली अथवा कार्यक्रम में प्रतिभाग ना करें, एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिका को भी रैली अथवा कार्यक्रम में प्रतिभाग ना करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें। अगर किसी भी विभाग के महिला कर्मचारी, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, साथ में जितने भी एमडीएम रसोईया के कर्मचारी हैं, उन सभी को कहा गया है कि यदि कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हेतु बाध्य होना पड़ेगा एवं वह स्वयं उक्त हेतु उत्तरदायित्व होगी। बता दें, इस बाबत तमाम जिलों के कार्यक्रम पदाधिकारियों को इसके बारे में निर्देश दिया गया है और साथ ही तमाम विभागों को भी आदेश दिया गया है कि सभी केंद्रों पर इस चिट्ठी को भेजने का काम करे और एक एक महिला कर्मचारियों को इसके बारे में बताने का काम करें, जिससे वो किसी भी प्रकार के चुनावी संबंधित दौरा में वो शामिल नहीं हो सके। देखिए, निर्वाचन आयोग का साफ और स्पष्ट रूप से कहना है कि किसी भी महिला कर्मचारी, अगर वो सरकारी विभागों में काम कर रही हो, आउटसोर्स से काम कर रही हो, अवर्गीकृत कर्मचारियों के रूप में काम कर रही हो, तो ऐसे महिला कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना स्वीकार नहीं होगा और महिला कर्मचारियों पर कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाएगी। इसीलिए आप तमाम महिला कर्मचारियों से खास अपील किया गया है कि आप लोग किसी भी प्रकार के जो जनप्रतिनिधि है जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके रैली में आप लोगों को शामिल नहीं होना है और आप लोगों के केंद्रों पर किसी भी प्रकार के किसी भी जनप्रतिनिधि का फोटो बैनर या भी किसी भी प्रकार का कोई भी पॉलिथीन नजर नहीं आना चाहिए, जिसको लेकर के कार्यक्रम पदाधिकारियों ने सभी विभागों को नोटिस जारी कर दिया है और इसको लेकर के अब मुहिम भी चलाई जाएगी और तमाम महिला कर्मचारियों के केंद्रों पर आकर के जांच भी होगा। इसीलिए तमाम महिला कर्मचारियों को कहना है कि आप लोग आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए, आप लोग एक सरकार के अंग हैं, ये आप कभी मत भूलिएगा और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी सामग्री आप लोग अपने केंद्रों पर ना रखिएगा जो ताल्लुकात रखते हो किसी भी जनप्रतिनिधि से, क्योंकि इसके बाद जो है आप लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो इससे आप लोगों को अटेंशन रहना है और किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री ना ही किसी से लेना है और ना ही किसी के बारे में प्रचार प्रसार करना है। आप तमाम महिला कर्मचारियों को बताते चले कि आप लोगों के पदों को संवैधानिक पद घोषित करने से आप लोगों के स्थायी का रास्ता खुल चुका है और आप लोग कोई ऐसी भी गलती कर देंगे जिससे सारा किया धरा पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए तमाम महिला कर्मचारियों को कहना चाहते हैं कि आप लोगों को लेकर के सरकार जिस प्रकार से सक्रियता दिखा रही है और चुनाव आयोग का जो आप लोगों के हितों में निर्देश है कि आप लोग किसी भी प्रकार की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगी, तो आप लोग प्रण कर लीजिए कि आप लोगों की ऐसी कोई काम नहीं करना है, किसी भी प्रतिनिधि के संपर्क में नहीं आना है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को चुनाव प्रसार के लिए जनप्रतिनिधि जो है लुभाने का काम करे, आप लोगों को पैसे देने का काम करे। तो आप लोगों को इस प्रकार की कोई भी अटेंशन प्रक्रिया को नहीं करना है जिससे आप लोगों को आगे चलकर परेशानी हो सके, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि तमाम महिला कर्मचारियों के पदोन्नत को लेकर के भी सरकार काम करने को लेकर के आगे आ रही है। ऐसे में किसी भी महिला कर्मचारी के ऊपर अगर दाग लग जाता है इस प्रकार के, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को इसका जो है खास ध्यान रखना है, क्योंकि महिला कर्मचारियों को सर्वोपरि मानते हुए सरकार ने स्पष्ट रूप से
गाइडलाइन जारी कर दिया है और ये गाइडलाइन जो है निर्वाचन आयोग के तरफ से जारी हुआ है और ये देश के तमाम राज्यों के महिला कर्मचारियों के लिए जारी हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य के खास लोगों के लिए ही जारी हुआ है, नहीं, ये तमाम राज्यों के लिए जारी हुआ है और तमाम राज्यों में महिला कर्मचारी लगातार अपने कर्मों निष्ठा से काम कर रही हैं। साथ ही बताना चाहेंगे कि महिला कर्मचारियों की जो जनसंख्या है 37 लाख के करीब महिला कर्मचारियों की जनसंख्या है और इसके लिए कार्यक्रम पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि महिला कर्मचारियों पर कड़ी नजर रखे, क्योंकि महिला कर्मचारियों को मानदेय कम मिलता है, इसको लेकर के वो कहीं फायदा उठाने को लेकर के काम नहीं कर रहे हो। इस प्रकार की प्रतिक्रिया को ध्यान देने को लेकर के स्पष्ट हिदायत दी गई है, जिस प्रकार से मैंने आपको खबर में पत्र के हिसाब से दिखाने का काम किया है, जो कि विभागीय स्तर से पत्र जारी की गई है, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग महामहिम राष्ट्रपति से मिलकर आप लोगों के मानदेय एनपीएस मेडिकलेम पॉलिसी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सप्ताह में छुट्टी राष्ट्रीय छुट्टी ईपीएफओ ईएसआई अनुकंपा ग्रेचुएटी रिटायरमेंट तमाम चीजों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति से निर्वाचन आयोग मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग सख्त आदेश जारी कर रहे हैं कि महिला कर्मचारी किसी भी प्रकार से कोई भी जनप्रतिनिधि के संपर्क में नहीं आए और किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र के लिए आप चुनाव प्रचार नहीं करें, इसको लेकर के वो सख्त हिदायत दे रहे हैं। तो आप तमाम महिला कर्मचारियों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों की एक एक मांग को मानी जाएगी, जिसके बारे में जो है निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से महामहिम के साथ मिलकर और सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित करवा दिए हैं, लेकिन उसके लिए जो है आदर्श आचार संहिता की जो भी गाइडलाइन महिला कर्मचारियों के लिए लागू हुई है उसको आप लोगों को अच्छे तरीके से पालन करना होगा। देश के सभी वर्ग के महिला कर्मियों हो जाओ सावधान, चाहे आप आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, तो आप सभी लोग सावधान हो जाए, क्योंकि आपकी एक गलती से आपकी नौकरी भी जा सकती है। केंद्र सरकार ने पत्र जारी कर दिया है और सभी विभागों को आदेश भी जारी हो चुका है। आप लोगों को आगे खबर में पत्र के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं कि आप तमाम महिला कर्मचारियों को लेकर के विभागों को क्या निर्देश दिया। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और जो भी सरकारी आदेश जारी हुए हैं उसके माध्यम से आप तमाम महिला कर्मचारियों को बताने का काम करते हैं कि आप लोगों को किन बातों का अटेंशन रखना है। अगर अनजाने में भी आप इस खबर को नहीं देखते हैं और आप एक गलती छोटी सी भी कर देते हैं तो आपको अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, इसीलिए आप लोग समझिए कि ये खबर कितना इम्पोर्टेंट है। तमाम महिला कर्मचारियों को लेकर के जो बड़ी खबर विभागीय स्तर से पत्र जारी हुआ है उसके माध्यम से बताएंगे, तो ये खबर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसीलिए इस खबर को पूरे समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, क्योंकि महिला कर्मचारियों के भविष्य की बात है और अगर आप लोग इस खबर को इग्नोर करते हैं तो फिर आप लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाली है। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को जानकारी जो विभागीय स्तर से आई है उसके बारे में बताने का काम करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अभी अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक पत्र जो कि विभागीय स्तर से पत्र आई है, तो जैसा कि आप लोग पत्र में डेट भी देख रहे होंगे कि 10/4/2024 को यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी, समस्त मुख्य सेविकाएं और जितने भी उनके साथ महिला कर्मचारी है, यानी कि तमाम जो आउटसोर्स से महिला कर्मचारी काम कर रही हैं उन सभी पर ये लागू होने वाली है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आप अवगत हैं कि दिनांक 16/3/2024 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आपको किसी भी दशा में आदर्श आचार संहिता का किसी भी स्तर से उल्लंघन न हो, इस हेतु पूर्व में पत्र भी उपलब्ध कराया गया था। मतलब कि स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहना है कि आप लोगों को ये बताने को लेकर के विभागीय स्तर से एक और पत्र जो है पूर्व में जारी किया गया था, लेकिन फिर से आप लोगों को रिन्यूअल याद करवाने को लेकर के जो है फिर से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आदर्श आचार संहिता को दृष्टिगत रखते हुए आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय या सह गोदाम में किसी भी जनप्रतिनिधि का फोटो चस्पा ना हो। मतलब से विभाग का कहना है कि आपके गोदाम में या फिर आपके केंद्र पर किसी भी प्रकार का किसी भी प्रतिनिधि का कोई फोटो या फिर कोई बैनर नहीं लगा हो। साथ ही कहा गया है कि ड्राई राशन के वितरण करते समय पॉलिथीन आदि में किसी भी जनप्रतिनिधि का फोटो चस्पा ना हो, कोई भी ऐसा बैनर या पंपलेट अथवा प्रचार प्रसार संबंधित कोई भी प्रदर्शित वितरण ना करे। आगे बताते चले कि कहा गया है आप स्वयं एवं मुख्य सेविकाएं
किसी भी जन जनप्रतिनिधियों की रैली अथवा कार्यक्रम में प्रतिभाग न करे एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिका को भी रैली अथवा कार्यक्रम में प्रतिभाग न करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करे। अगर किसी भी विभाग के महिला कर्मचारी चाहे आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, साथ में जितने भी एमडीएम रसोईया के कर्मचारी हैं, उन सभी को कहा गया है कि यदि कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हेतु बाध्य होना पड़ेगा एवं वह स्वयं उक्त हेतु उत्तरदायित्व होगी। बता दें इस बाबत तमाम जिलों के कार्यक्रम पदाधिकारियों को इसके बारे में निर्देश दिया गया है और साथ ही तमाम विभागों को भी आदेश दिया गया है कि सभी केंद्रों पर इस चिट्ठी को भेजने का काम करे और एक एक महिला कर्मचारियों को इसके बारे में बताने का काम करे जिससे वो किसी भी प्रकार के चुनावी संबंधित दौरा में वो शामिल नहीं हो सके। देखिए निर्वाचन आयोग का साफ और स्पष्ट रूप से कहना है कि किसी भी महिला कर्मचारी अगर वो सरकारी विभागों में काम कर रही हो, आउटसोर्स से काम कर रही हो, अवर्गीकृत कर्मचारियों के रूप में काम कर रही हो तो ऐसे महिला कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना स्वीकार नहीं होगा और महिला कर्मचारियों पर कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाएगी। इसीलिए आप तमाम महिला कर्मचारियों से खास अपील किया गया है कि आप लोग किसी भी प्रकार के जो जनप्रतिनिधि है जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके रैली में आप लोगों को शामिल नहीं होना है और आप लोगों के केंद्रों पर किसी भी प्रकार के किसी भी जनप्रतिनिधि का फोटो बैनर या भी किसी भी प्रकार का कोई भी पॉलिथीन नजर नहीं आना चाहिए जिसको लेकर के कार्यक्रम पदाधिकारियों ने सभी विभागों को नोटिस जारी कर दिया है और इसको लेकर के अब मुहिम भी चलाई जाएगी और तमाम महिला कर्मचारियों के केंद्रों पर आकर के जांच भी होगा। इसीलिए तमाम महिला कर्मचारियों को कहना है कि आप लोग आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए आप लोग एक सरकार के अंग हैं ये आप कभी मत भूलिएगा और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी सामग्री आप लोग अपने केंद्रों पर ना रखिएगा जो ताल्लुकात रखते हो किसी भी जनप्रतिनिधि से क्योंकि इसके बाद जो है आप लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो इससे आप लोगों को अटेंशन रहना है और किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री ना ही किसी से लेना है और ना ही किसी के बारे में प्रचार प्रसार करना है। आप तमाम महिला कर्मचारियों को बताते चले कि आप लोगों के पदों को संवैधानिक पद घोषित करने से आप लोगों के स्थाई का रास्ता खुल चुका है और आप लोग कोई ऐसी भी गलती कर देंगे जिससे सारा किया धरा पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए तमाम महिला कर्मचारियों को कहना चाहते हैं कि आप लोगों को लेकर के सरकार जिस प्रकार से सक्रियता दिखा रही है और चुनाव आयोग का जो आप लोगों के हितों में निर्देश है कि आप लोग किसी भी प्रकार की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगी तो आप लोग प्रण कर लीजिए कि आप लोगों की ऐसी कोई काम नहीं करना है, किसी भी प्रतिनिधि के संपर्क में नहीं आना है क्योंकि हो सकता है आप लोगों को चुनाव प्रसार के लिए जनप्रतिनिधि जो है लुभाने का काम करे, आप लोगों को पैसे देने का काम करे। तो आप लोगों को इस प्रकार की कोई भी अटेंशन प्रक्रिया को नहीं करना है जिससे आप लोगों को आगे चलकर परेशानी हो सके क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि तमाम महिला कर्मचारियों के पदोन्नत को लेकर के भी सरकार काम करने को लेकर के आगे आ रही है। ऐसे में किसी भी महिला कर्मचारी के ऊपर अगर दाग लग जाता है इस प्रकार के तो कहीं ना कहीं आप उस चीज से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को इसका जो है खास ध्यान रखना है क्योंकि महिला कर्मचारियों को सर्वोपरि मानते हुए सरकार ने स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जारी कर दिया है और ये गाइडलाइन जो है निर्वाचन आयोग के तरफ से जारी हुआ है और ये देश के तमाम राज्यों के महिला कर्मचारियों के लिए जारी हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य के खास लोगों के लिए ही जारी हुआ है, नहीं, ये तमाम राज्यों के लिए जारी हुआ है और तमाम राज्यों में महिला कर्मचारी लगातार अपने कर्मोनिष्ठा से काम कर रही है। साथ ही बताना चाहेंगे कि महिला कर्मचारियों की जो जनसंख्या है 37 लाख के करीब महिला कर्मचारियों की जनसंख्या है और इसके लिए कार्यक्रम पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि महिला कर्मचारियों पर कड़ी नजर रखे क्योंकि महिला कर्मचारियों को मानदेय कम मिलता है, इसको लेकर के वो कहीं फायदा उठाने को लेकर के काम नहीं कर रहे हो, इस प्रकार की प्रतिक्रिया को ध्यान देने को लेकर के स्पष्ट हिदायत दी गई है जिस प्रकार से मैंने आपको खबर में पत्र के हिसाब से दिखाने का काम किया है जो कि विभागीय स्तर से पत्र जारी की गई है क्योंकि जो निर्वाचन आयोग महामहिम राष्ट्रपति से मिलकर आप लोगों के मानदेय एनपीएस मेडिकल एम पॉलिसी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सप्ताह में छुट्टी राष्ट्रीय छुट्टी ईपीएफओ ईएसआई अनुकंपा ग्रेजुएटी रिटायरमेंट तमाम चीजों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति से निर्वाचन आयोग मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग सख्त आदेश जारी कर रहे हैं कि महिला कर्मचारी किसी भी प्रकार से कोई भी जनप्रतिनिधि के संपर्क में नहीं आए और किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र के लिए आप चुनाव प्रसार नहीं करें, इसको लेकर के वो सख्त हिदायत दे रहे हैं।
तो आप तमाम महिला कर्मचारियों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों की एक एक मांग को मानी जाएगी, जिसके बारे में जो है निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से महामहिम के साथ मिलकर और सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित करवा दिए हैं। लेकिन उसके लिए जो है आदर्श आचार संहिता की जो भी गाइडलाइन महिला कर्मचारियों के लिए लागू हुई है, उसको आप लोगों को अच्छे तरीके से पालन करना होगा। देश के सभी वर्ग के महिला कर्मियों हो जाओ सावधान। चाहे आप आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, तो आप सभी लोग सावधान हो जाए, क्योंकि आपकी एक गलती से आपकी नौकरी भी जा सकती है। केंद्र सरकार ने पत्र जारी कर दिया है और सभी विभागों को आदेश भी जारी हो चुका है। आप लोगों को आगे खबर में पत्र के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं कि आप तमाम महिला कर्मचारियों को लेकर के विभागों को क्या निर्देश दिया। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और जो भी सरकारी आदेश जारी हुए हैं उसके माध्यम से आप तमाम महिला कर्मचारियों को बताने का काम करते हैं कि आप लोगों को किन बातों का अटेंशन रखना है। अगर अनजाने में भी आप इस खबर को नहीं देखते हैं और आप एक गलती छोटी सी भी कर देते हैं तो आपको अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए आप लोग समझिए कि ये खबर कितना इम्पोर्टेंट है। तमाम महिला कर्मचारियों को लेकर के जो बड़ी खबर विभागीय स्तर से पत्र जारी हुआ है उसके माध्यम से बताएंगे, तो ये खबर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसीलिए इस खबर को पूरे समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, क्योंकि महिला कर्मचारियों के भविष्य की बात है और अगर आप लोग इस खबर को इग्नोर करते हैं तो फिर आप लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाली है। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को जानकारी जो विभागीय स्तर से आई है उसके बारे में बताने का काम करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अभी अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक पत्र जो कि विभागीय स्तर से पत्र आई है, तो जैसा कि आप लोग पत्र में डेट भी देख रहे होंगे कि 10/4/2024 को यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से हुआ है समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी, समस्त मुख्य सेविकाएं और जितने भी उनके साथ महिला कर्मचारी है, यानी कि तमाम जो आउटसोर्स से महिला कर्मचारी काम कर रही हैं, उन सभी पर ये लागू होने वाली है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप अवगत हैं कि दिनांक 16/3/2024 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आपको किसी भी दशा में आदर्श आचार संहिता का किसी भी स्तर से उल्लंघन न हो, इस हेतु पूर्व में पत्र भी उपलब्ध कराया गया था। मतलब कि स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहना है कि आप लोगों को ये बताने को लेकर के विभागीय स्तर से एक और पत्र जो है पूर्व में जारी किया गया था, लेकिन फिर से आप लोगों को रिन्यूअल याद करवाने को लेकर के जो है फिर से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आदर्श आचार संहिता को दृष्टिगत रखते हुए आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय या सह गोदाम में किसी भी जनप्रतिनिधि का फोटो चस्पा ना हो। मतलब से विभाग का कहना है कि आपके गोदाम में या फिर आपके केंद्र पर किसी भी प्रकार का किसी भी प्रतिनिधि का कोई फोटो या फिर कोई बैनर नहीं लगा हो। साथ ही कहा गया है कि ड्राई राशन के वितरण करते समय पॉलिथीन आदि में किसी भी जनप्रतिनिधि का फोटो चस्पा ना हो, कोई भी ऐसा बैनर या पंपलेट अथवा प्रचार प्रसार संबंधित कोई भी प्रदर्शित वितरण ना करे। आगे बताते चले कि कहा गया है, आप स्वयं एवं मुख्य सेविकाएं किसी भी जनप्रतिनिधियों की रैली अथवा कार्यक्रम में प्रतिभाग न करें, एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिका को भी रैली अथवा कार्यक्रम में प्रतिभाग न करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें। अगर किसी भी विभाग के महिला कर्मचारी, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, साथ में जितने भी एमडीएम रसोईया के कर्मचारी हैं, उन सभी को कहा गया है कि यदि कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हेतु बाध्य होना पड़ेगा एवं वह स्वयं उक्त हेतु उत्तरदायित्व होगी। बता दें इस बाबत तमाम जिलों के कार्यक्रम पदाधिकारियों को इसके बारे में निर्देश दिया गया है और साथ ही तमाम विभागों को भी आदेश दिया गया है कि सभी केंद्रों पर इस चिट्ठी को भेजने का काम करे और एक एक महिला कर्मचारियों को इसके बारे में बताने का काम करे, जिससे वो किसी भी प्रकार के चुनावी संबंधित दौरा में वो शामिल नहीं हो सके। देखिए निर्वाचन आयोग का साफ और स्पष्ट रूप से कहना है कि किसी भी महिला कर्मचारी अगर वो सरकारी विभागों में काम कर रही हो, आउटसोर्स से काम कर रही हो, अवर्गीकृत कर्मचारियों के रूप में काम कर रही हो, तो ऐसे महिला कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना स्वीकार नहीं होगा और महिला कर्मचारियों पर कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाएगी।
थी, इसीलिए आप तमाम महिला कर्मचारियों से खास अपील किया गया है कि आप लोग किसी भी प्रकार के जो जनप्रतिनिधि है जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके रैली में आप लोगों को शामिल नहीं होना है, और आप लोगों के केंद्रों पर किसी भी प्रकार के किसी भी जनप्रतिनिधि का फोटो, बैनर या भी किसी भी प्रकार का कोई भी पॉलिथीन नजर नहीं आना चाहिए, जिसको लेकर के कार्यक्रम पदाधिकारियों ने सभी विभागों को नोटिस जारी कर दिया है, और इसको लेकर के अब मुहिम भी चलाई जाएगी और तमाम महिला कर्मचारियों के केंद्रों पर आकर के जांच भी होगा। इसीलिए तमाम महिला कर्मचारियों को कहना है कि आप लोग आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए, आप लोग एक सरकार के अंग हैं ये आप कभी मत भूलिएगा, और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी सामग्री आप लोग अपने केंद्रों पर ना रखिएगा जो ताल्लुकात रखते हो किसी भी जनप्रतिनिधि से, क्योंकि इसके बाद जो है आप लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो इससे आप लोगों को अटेंशन रहना है, और किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री ना ही किसी से लेना है और ना ही किसी के बारे में प्रचार प्रसार करना है। आप तमाम महिला कर्मचारियों को बताते चले कि आप लोगों के पदों को संवैधानिक पद घोषित करने से आप लोगों के अस्थाई का रास्ता खुल चुका है, और आप लोग कोई ऐसी भी गलती कर देंगे जिससे सारा किया धरा पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए तमाम महिला कर्मचारियों को कहना चाहते हैं कि आप लोगों को लेकर के सरकार जिस प्रकार से सक्रियता दिखा रही है, और चुनाव आयोग का जो आप लोगों के हितों में निर्देश है कि आप लोग किसी भी प्रकार की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगी, तो आप लोग प्रण कर लीजिए कि आप लोगों की ऐसी कोई काम नहीं करना है, किसी भी प्रतिनिधि के संपर्क में नहीं आना है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को चुनाव प्रसार के लिए जनप्रतिनिधि जो है लुभाने का काम करे, आप लोगों को पैसे देने का काम करे, तो आप लोगों को इस प्रकार की कोई भी अटेंशन प्रक्रिया को नहीं करना है जिससे आप लोगों को आगे चलकर परेशानी हो सके, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि तमाम महिला कर्मचारियों के पदोन्नत को लेकर के भी सरकार काम करने को लेकर के आगे आ रही है। ऐसे में किसी भी महिला कर्मचारी के ऊपर अगर दाग लग जाता है इस प्रकार के, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को इसका जो है खास ध्यान रखना है, क्योंकि महिला कर्मचारियों को सर्वोपरि मानते हुए सरकार ने स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जारी कर दिया है, और ये गाइडलाइन जो है निर्वाचन आयोग के तरफ से जारी हुआ है, और ये देश के तमाम राज्यों के महिला कर्मचारियों के लिए जारी हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य के खास लोगों के लिए ही जारी हुआ है, नहीं, ये तमाम राज्यों के लिए जारी हुआ है, और तमाम राज्यों में महिला कर्मचारी लगातार अपने कर्मों निष्ठा से काम कर रही है। साथ ही बताना चाहेंगे कि महिला कर्मचारियों की जो जनसंख्या है 37 लाख के करीब महिला कर्मचारियों की जनसंख्या है, और इसके लिए कार्यक्रम पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि महिला कर्मचारियों पर कड़ी नजर रखे, क्योंकि महिला कर्मचारियों को मानदेय कम मिलता है, इसको लेकर के वो कहीं फायदा उठाने को लेकर के काम नहीं कर रहे हो, इस प्रकार की प्रतिक्रिया को ध्यान देने को लेकर के स्पष्ट हिदायत दी गई है। जिस प्रकार से मैंने आपको खबर में पत्र के हिसाब से दिखाने का काम किया है, जो कि विभागीय स्तर से पत्र जारी की गई है, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग महामहिम राष्ट्रपति से मिलकर आप लोगों के मानदेय, एनपीएस, मेडिकल एम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा, ग्रेचुएटी, रिटायरमेंट, तमाम चीजों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति से निर्वाचन आयोग मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग सख्त आदेश जारी कर रहे हैं कि महिला कर्मचारी किसी भी प्रकार से कोई भी जनप्रतिनिधि के संपर्क में नहीं आए, और किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र के लिए आप चुनाव प्रसार नहीं करें, इसको लेकर के वो सख्त हिदायत दे रहे हैं। तो आप तमाम महिला कर्मचारियों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों की एक एक मांग को मानी जाएगी, जिसके बारे में जो है निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से महामहिम के साथ मिलकर और सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित करवा दिए हैं, लेकिन उसके लिए जो है आदर्श आचार संहिता की जो भी गाइडलाइन महिला कर्मचारियों के लिए लागू हुई है उसको आप लोगों को अच्छे तरीके से पालन करना होगा। देश के सभी वर्ग के महिला कर्मियों हो जाओ सावधान, चाहे आप आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, तो आप सभी लोग सावधान हो जाए, क्योंकि आपकी एक गलती से आपकी नौकरी भी जा सकती है। केंद्र सरकार ने पत्र जारी कर दिया है और सभी विभागों को आदेश भी जारी हो चुका है। आप लोगों को आगे खबर में पत्र के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं कि आप तमाम महिला कर्मचारियों को लेकर के विभागों को क्या निर्देश दिया गया। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और जो भी सरकारी आदेश जारी हुए हैं उसके माध्यम से आप तमाम महिला कर्मचारियों को बताने का काम करते हैं कि आप लोगों को किन बातों का अटेंशन रखना है। अगर अनजाने में भी आप इस खबर को नहीं देखते हैं और आप एक गलती छोटी सी भी कर देते हैं तो आपको अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए आप लोग समझिए कि ये खबर कितना इम्पोर्टेंट है। तमाम महिला कर्मचारियों को लेकर के जो बड़ी खबर विभागीय स्तर से पत्र जारी हुआ है उसके माध्यम से बताएंगे, तो ये खबर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है।
इसीलिए इस खबर को पूरे समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, क्योंकि महिला कर्मचारियों के भविष्य की बात है। और अगर आप लोग इस खबर को इग्नोर करते हैं तो फिर आप लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाली है। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को जानकारी जो विभागीय स्तर से आई है उसके बारे में बताने का काम करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अभी अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक पत्र जो कि विभागीय स्तर से पत्र आई है। तो जैसा कि आप लोग पत्र में डेट भी देख रहे होंगे कि 10/4/2024 को यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी, समस्त मुख्य सेविकाएं और जितने भी उनके साथ महिला कर्मचारी है, यानी कि तमाम जो आउटसोर्स से महिला कर्मचारी काम कर रही हैं, उन सभी पर यह लागू होने वाली है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आप अवगत हैं कि दिनांक 16/3/2024 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आपको किसी भी दशा में आदर्श आचार संहिता का किसी भी स्तर से उल्लंघन न हो, इस हेतु पूर्व में पत्र भी उपलब्ध कराया गया था। मतलब कि स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहना है कि आप लोगों को ये बताने को लेकर के विभागीय स्तर से एक और पत्र जो है पूर्व में जारी किया गया था, लेकिन फिर से आप लोगों को रिन्यूअल याद करवाने को लेकर के जो है फिर से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आदर्श आचार संहिता को दृष्टिगत रखते हुए आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय या सह गोदाम में किसी भी जनप्रतिनिधि का फोटो चस्पा ना हो। मतलब से विभाग का कहना है कि आपके गोदाम में या फिर आपके केंद्र पर किसी भी प्रकार का किसी भी प्रतिनिधि का कोई फोटो या फिर कोई बैनर नहीं लगा हो। साथ ही कहा गया है कि ड्राई राशन के वितरण करते समय पॉलिथीन आदि में किसी भी जनप्रतिनिधि का फोटो चस्पा ना हो, कोई भी ऐसा बैनर या पंपलेट अथवा प्रचार प्रसार संबंधित कोई भी प्रदर्शित वितरण ना करे। आगे बताते चले कि कहा गया है आप स्वयं एवं मुख्य सेविकाएं किसी भी जनप्रतिनिधियों की रैली अथवा कार्यक्रम में प्रतिभाग न करें, एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिका को भी रैली अथवा कार्यक्रम में प्रतिभाग न करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें। अगर किसी भी विभाग के महिला कर्मचारी, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, साथ में जितने भी एमडीएम रसोईया के कर्मचारी हैं, उन सभी को कहा गया है कि यदि कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हेतु बाध्य होना पड़ेगा एवं वह स्वयं उक्त हेतु उत्तरदायित्व होगी। बता दें इस बाबत तमाम जिलों के कार्यक्रम पदाधिकारियों को इसके बारे में निर्देश दिया गया है और साथ ही तमाम विभागों को भी आदेश दिया गया है कि सभी केंद्रों पर इस चिट्ठी को भेजने का काम करे और एक एक महिला कर्मचारियों को इसके बारे में बताने का काम करे, जिससे वो किसी भी प्रकार के चुनावी संबंधित दौरा में वो शामिल नहीं हो सके। देखिए निर्वाचन आयोग का साफ और स्पष्ट रूप से कहना है कि किसी भी महिला कर्मचारी अगर वो सरकारी विभागों में काम कर रही हो, आउटसोर्स से काम कर रही हो, अवर्गीकृत कर्मचारियों के रूप में काम कर रही हो, तो ऐसे महिला कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना स्वीकार नहीं होगा और महिला कर्मचारियों पर कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाएगी। इसीलिए आप तमाम महिला कर्मचारियों से खास अपील किया गया है कि आप लोग किसी भी प्रकार के जो जनप्रतिनिधि है जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके रैली में आप लोगों को शामिल नहीं होना है और आप लोगों के केंद्रों पर किसी भी प्रकार के किसी भी जनप्रतिनिधि का फोटो बैनर या भी किसी भी प्रकार का कोई भी पॉलिथीन नजर नहीं आना चाहिए, जिसको लेकर के कार्यक्रम पदाधिकारियों ने सभी विभागों को नोटिस जारी कर दिया है और इसको लेकर के अब मुहिम भी चलाई जाएगी और तमाम महिला कर्मचारियों के केंद्रों पर आकर के जांच भी होगा। इसलिए तमाम महिला कर्मचारियों को कहना है कि आप लोग आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए आप लोग एक सरकार के अंग हैं, ये आप कभी मत भूलिएगा और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी सामग्री आप लोग अपने केंद्रों पर ना रखिएगा जो ताल्लुकात रखते हो किसी भी जनप्रतिनिधि से, क्योंकि इसके बाद जो है आप लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो इससे आप लोगों को अटेंशन रहना है और किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री ना ही किसी से लेना है और ना ही किसी के बारे में प्रचार प्रसार करना है। आप तमाम महिला कर्मचारियों को बताते चले कि आप लोगों के पदों को संवैधानिक पद घोषित करने से आप लोगों के स्थाई का रास्ता खुल चुका है और आप लोग कोई ऐसी भी गलती कर देंगे जिससे सारा किया धरा पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए तमाम महिला कर्मचारियों को कहना चाहते हैं कि आप लोगों को लेकर के सरकार जिस प्रकार से सक्रियता दिखा रही है और चुनाव आयोग का जो आप लोगों के हितों में निर्देश है कि आप लोग किसी भी प्रकार की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगी, तो आप लोग प्रण कर लीजिए कि आप लोगों की ऐसी कोई काम नहीं करना है, किसी भी प्रतिनिधि के संपर्क में नहीं आना है, क्योंकि
क्योंकि हो सकता है आप लोगों को चुनाव प्रसार के लिए जनप्रतिनिधि जो है लुभाने का काम करे, आप लोगों को पैसे देने का काम करे, तो आप लोगों को इस प्रकार की कोई भी अटेंशन प्रक्रिया को नहीं करना है जिससे आप लोगों को आगे चलकर परेशानी हो सके। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि तमाम महिला कर्मचारियों के पदोन्नति को लेकर के भी सरकार काम करने को लेकर के आगे आ रही है। ऐसे में किसी भी महिला कर्मचारी के ऊपर अगर दाग लग जाता है इस प्रकार के, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को इसका जो है खास ध्यान रखना है, क्योंकि महिला कर्मचारियों को सर्वोपरि मानते हुए सरकार ने स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जारी कर दिया है। और ये गाइडलाइन जो है निर्वाचन आयोग के तरफ से जारी हुआ है और ये देश के तमाम राज्यों के महिला कर्मचारियों के लिए जारी हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य के खास लोगों के लिए ही जारी हुआ है, नहीं, ये तमाम राज्यों के लिए जारी हुआ है और तमाम राज्यों में महिला कर्मचारी लगातार अपने कर्मोनिष्ठा से काम कर रही है। साथ ही बताना चाहेंगे कि महिला कर्मचारियों की जो जनसंख्या है 37 लाख के करीब महिला कर्मचारियों की जनसंख्या है और इसके लिए कार्यक्रम पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि महिला कर्मचारियों पर कड़ी नजर रखे, क्योंकि महिला कर्मचारियों को मानदेय कम मिलता है, इसको लेकर के वो कहीं फायदा उठाने को लेकर के काम नहीं कर रहे हो। इस प्रकार की प्रतिक्रिया को ध्यान देने को लेकर के स्पष्ट हिदायत दी गई है, जिस प्रकार से मैंने आपको खबर में पत्र के हिसाब से दिखाने का काम किया है, जो कि विभागीय स्तर से पत्र जारी की गई है। क्योंकि जो निर्वाचन आयोग महामहिम राष्ट्रपति से मिलकर आप लोगों के मानदेय, NPS, मेडिकल एम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, EPFO, ESI, अनुकंपा, ग्रेचुएटी, रिटायरमेंट, तमाम चीजों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति से निर्वाचन आयोग मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग सख्त आदेश जारी कर रहे हैं कि महिला कर्मचारी किसी भी प्रकार से कोई भी जनप्रतिनिधि के संपर्क में नहीं आए और किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र के लिए आप चुनाव प्रसार नहीं करें, इसको लेकर के वो सख्त हिदायत दे रहे हैं। तो आप तमाम महिला कर्मचारियों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों की एक एक मांग को मानी जाएगी, जिसके बारे में जो है निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से महामहिम के साथ मिलकर और सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित करवा दिए हैं। लेकिन उसके लिए जो है आदर्श आचार संहिता की जो भी गाइडलाइन महिला कर्मचारियों के लिए लागू हुई है, उसको आप लोगों को अच्छे तरीके से पालन करना होगा। देश के सभी वर्ग के महिला कर्मियों हो जाओ सावधान, चाहे आप आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी ANM और NHM के कर्मचारी हैं, तो आप सभी लोग सावधान हो जाए, क्योंकि आपकी एक गलती से आपकी नौकरी भी जा सकती है। केंद्र सरकार ने पत्र जारी कर दिया है और सभी विभागों को आदेश भी जारी हो चुका है। आप लोगों को आगे खबर में पत्र के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं कि आप तमाम महिला कर्मचारियों को लेकर के विभागों को क्या निर्देश दिया गया। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और जो भी सरकारी आदेश जारी हुए हैं उसके माध्यम से आप तमाम महिला कर्मचारियों को बताने का काम करते हैं कि आप लोगों को किन बातों का अटेंशन रखना है। अगर अनजाने में भी आप इस खबर को नहीं देखते हैं और आप एक गलती छोटी सी भी कर देते हैं, तो आपको अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए आप लोग समझिए कि ये खबर कितना इम्पोर्टेंट है। तमाम महिला कर्मचारियों को लेकर के जो बड़ी खबर विभागीय स्तर से पत्र जारी हुआ है उसके माध्यम से बताएंगे, तो ये खबर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसीलिए इस खबर को पूरे समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, क्योंकि महिला कर्मचारियों के भविष्य की बात है और अगर आप लोग इस खबर को इग्नोर करते हैं तो फिर आप लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाली है। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को जानकारी जो विभागीय स्तर से आई है उसके बारे में बताने का काम करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अभी अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक पत्र, जो कि विभागीय स्तर से पत्र आई है, तो जैसा कि आप लोग पत्र में डेट भी देख रहे होंगे कि 10/4/2024 को यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से हुआ है समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी, समस्त मुख्य सेविकाएं और जितने भी उनके साथ महिला कर्मचारी है, यानी कि तमाम जो आउटसोर्स से महिला कर्मचारी काम कर रही हैं, उन सभी पर ये लागू होने वाली है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप अवगत हैं कि दिनांक 16/3/2024 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आपको किसी भी दशा में आदर्श आचार संहिता का किसी भी स्तर से उल्लंघन न हो, इस हेतु पूर्व में पत्र भी उपलब्ध कराया गया था। मतलब कि स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहना है कि आप लोगों को ये बताने को लेकर के विभागीय स्तर से एक और पत्र जो है पूर्व में जारी किया गया था, लेकिन फिर से आप लोगों को रिन्यूअल याद करवाने को लेकर के जो है फिर से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आदर्श आचार संहिता को दृष्टिगत रखते हुए आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय या सह गोदाम में किसी भी जनप्रतिनिधि का फोटो चस्पा ना हो। मतलब से विभाग का कहना है कि आपके
गोदाम में या फिर आपके केंद्र पर किसी भी प्रकार का किसी भी प्रतिनिधि का कोई फोटो या फिर कोई बैनर नहीं लगा हो। साथ ही कहा गया है कि ड्राई राशन के वितरण करते समय पॉलिथीन आदि में किसी भी जनप्रतिनिधि का फोटो चस्पा न हो। कोई भी ऐसा बैनर या पंपलेट अथवा प्रचार प्रसार संबंधित कोई भी प्रदर्शित वितरण न करे। आगे बताते चले कि कहा गया है आप स्वयं एवं मुख्य सेविकाएं किसी भी जनप्रतिनिधियों की रैली अथवा कार्यक्रम में प्रतिभाग न करे एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिका को भी रैली अथवा कार्यक्रम में प्रतिभाग न करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करे। अगर किसी भी विभाग के महिला कर्मचारी चाहे आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, साथ में जितने भी एमडीएम रसोईया के कर्मचारी हैं, उन सभी को कहा गया है कि यदि कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हेतु बाध्य होना पड़ेगा एवं वह स्वयं उक्त हेतु उत्तरदायित्व होगी। बता दें इस बाबत तमाम जिलों के कार्यक्रम पदाधिकारियों को इसके बारे में निर्देश दिया गया है और साथ ही तमाम विभागों को भी आदेश दिया गया है कि सभी केंद्रों पर इस चिट्ठी को भेजने का काम करें और एक एक महिला कर्मचारियों को इसके बारे में बताने का काम करे जिससे वो किसी भी प्रकार के चुनावी संबंधित दौरा में वो शामिल नहीं हो सके। देखिए निर्वाचन आयोग का साफ और स्पष्ट रूप से कहना है कि किसी भी महिला कर्मचारी अगर वो सरकारी विभागों में काम कर रही हो, आउटसोर्स से काम कर रही हो, अवर्गीकृत कर्मचारियों के रूप में काम कर रही हो तो ऐसे महिला कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना स्वीकार नहीं होगा और महिला कर्मचारियों पर कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाएगी। इसीलिए आप तमाम महिला कर्मचारियों से खास अपील किया गया है कि आप लोग किसी भी प्रकार के जो जनप्रतिनिधि है जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके रैली में आप लोगों को शामिल नहीं होना है और आप लोगों के केंद्रों पर किसी भी प्रकार के किसी भी जनप्रतिनिधि का फोटो बैनर या भी किसी भी प्रकार का कोई भी पॉलिथीन नजर नहीं आना चाहिए, जिसको लेकर के कार्यक्रम पदाधिकारियों ने सभी विभागों को नोटिस जारी कर दिया है और इसको लेकर के अब मुहिम भी चलाई जाएगी और तमाम महिला कर्मचारियों के केंद्रों पर आकर के जांच भी होगा। इसीलिए तमाम महिला कर्मचारियों को कहना है कि आप लोग आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए आप लोग एक सरकार के अंग हैं ये आप कभी मत भूलिएगा और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी सामग्री आप लोग अपने केंद्रों पर ना रखिएगा जो तालुकात रखते हो किसी भी जनप्रतिनिधि से, क्योंकि इसके बाद जो है आप लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो इससे आप लोगों को अटेंशन रहना है और किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री ना ही किसी से लेना है और ना ही किसी के बारे में प्रचार प्रसार करना है। आप तमाम महिला कर्मचारियों को बताते चले कि आप लोगों के पदों को संवैधानिक पद घोषित करने से आप लोगों के स्थाई का रास्ता खुल चुका है और आप लोग कोई ऐसी भी गलती कर देंगे जिससे सारा किया धरा पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए तमाम महिला कर्मचारियों को कहना चाहते हैं कि आप लोगों को लेकर के सरकार जिस प्रकार से सक्रियता दिखा रही है और चुनाव आयोग का जो आप लोगों के हितों में निर्देश है कि आप लोग किसी भी प्रकार की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगी तो आप लोग प्रण कर लीजिए कि आप लोगों की ऐसी कोई काम नहीं करना है, किसी भी प्रतिनिधि के संपर्क में नहीं आना है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को चुनाव प्रसार के लिए जनप्रतिनिधि जो है लुभाने का काम करे, आप लोगों को पैसे देने का काम करे। तो आप लोगों को इस प्रकार की कोई भी अटेंशन प्रक्रिया को नहीं करना है जिससे आप लोगों को आगे चलकर परेशानी हो सके, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि तमाम महिला कर्मचारियों के पदोन्नत को लेकर के भी सरकार काम करने को लेकर के आगे आ रही है। ऐसे में किसी भी महिला कर्मचारी के ऊपर अगर दाग लग जाता है इस प्रकार के तो कहीं ना कहीं आप उस चीज से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को इसका जो है खास ध्यान रखना है, क्योंकि महिला कर्मचारियों को सर्वोपरि मानते हुए सरकार ने स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जारी कर दिया है और ये गाइडलाइन जो है निर्वाचन आयोग के तरफ से जारी हुआ है और ये देश के तमाम राज्यों के महिला कर्मचारियों के लिए जारी हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य के खास लोगों के लिए ही जारी हुआ है, नहीं, ये तमाम राज्यों के लिए जारी हुआ है और तमाम राज्यों में महिला कर्मचारी लगातार अपने कर्मों निष्ठा से काम कर रही है। साथ ही बताना चाहेंगे कि महिला कर्मचारियों की जो जनसंख्या है 37 लाख के करीब महिला कर्मचारियों की जनसंख्या है और इसके लिए कार्यक्रम पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि महिला कर्मचारियों पर कड़ी नजर रखे, क्योंकि महिला कर्मचारियों को मानदेय कम मिलता है, इसको लेकर के वो कहीं फायदा उठाने को लेकर के काम नहीं कर रहे हो, इस प्रकार की प्रतिक्रिया को ध्यान देने को लेकर के स्पष्ट हिदायत दी गई है। जिस प्रकार से मैंने आपको खबर में पत्र के हिसाब से दिखाने का काम किया है जो कि विभागीय स्तर से पत्र जारी की गई है, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग महामहिम राष्ट्रपति से मिलकर आप लोगों के मानदेय एनपीएस
मेडिकल एम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा, ग्रेचुएटी, रिटायरमेंट, तमाम चीजों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति से निर्वाचन आयोग मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग सख्त आदेश जारी कर रहे हैं कि महिला कर्मचारी किसी भी प्रकार से कोई भी जनप्रतिनिधि के संपर्क में नहीं आए और किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र के लिए आप चुनाव प्रसार नहीं करें, इसको लेकर के वो सख्त हिदायत दे रहे हैं। तो आप तमाम महिला कर्मचारियों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों की एक एक मांग को मानी जाएगी, जिसके बारे में जो है निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से महामहिम के साथ मिलकर और सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित करवा दिए हैं। लेकिन उसके लिए जो है आदर्श आचार संहिता की जो भी गाइडलाइन महिला कर्मचारियों के लिए लागू हुई है, उसको आप लोगों को अच्छे तरीके से पालन करना होगा। देश के सभी वर्ग के महिला कर्मियों हो जाओ सावधान, चाहे आप आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, तो आप सभी लोग सावधान हो जाए, क्योंकि आपकी एक गलती से आपकी नौकरी भी जा सकती है। केंद्र सरकार ने पत्र जारी कर दिया है और सभी विभागों को आदेश भी जारी हो चुका है। आप लोगों को आगे खबर में पत्र के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं कि आप तमाम महिला कर्मचारियों को लेकर के विभागों को क्या निर्देश दिया। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और जो भी सरकारी आदेश जारी हुए हैं उसके माध्यम से आप तमाम महिला कर्मचारियों को बताने का काम करते हैं कि आप लोगों को किन बातों का अटेंशन रखना है। अगर अनजाने में भी आप इस खबर को नहीं देखते हैं और आप एक गलती छोटी सी भी कर देते हैं तो आपको अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए आप लोग समझिए कि ये खबर कितना इम्पोर्टेंट है। तमाम महिला कर्मचारियों को लेकर के जो बड़ी खबर विभागीय स्तर से पत्र जारी हुआ है उसके माध्यम से बताएंगे, तो ये खबर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसीलिए इस खबर को पूरे समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, क्योंकि महिला कर्मचारियों के भविष्य की बात है। और अगर आप लोग इस खबर को इग्नोर करते हैं तो फिर आप लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाली है। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को जानकारी जो विभागीय स्तर से आई है उसके बारे में बताने का काम करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अभी अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक पत्र जो कि विभागीय स्तर से पत्र आई है, तो जैसा कि आप लोग पत्र में डेट भी देख रहे होंगे कि 10/4/2024 को यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी, समस्त मुख्य सेविकाएं और जितने भी उनके साथ महिला कर्मचारी है, यानी कि तमाम जो आउटसोर्स से महिला कर्मचारी काम कर रही हैं, उन सभी पर ये लागू होने वाली है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप अवगत हैं कि दिनांक 16/3/2024 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आपको किसी भी दशा में आदर्श आचार संहिता का किसी भी स्तर से उल्लंघन न हो, इस हेतु पूर्व में पत्र उपलब्ध कराया गया था। मतलब कि स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहना है कि आप लोगों को ये बताने को लेकर के विभागीय स्तर से एक और पत्र जो है पूर्व में जारी किया गया था, लेकिन फिर से आप लोगों को रिन्यूअल याद करवाने को लेकर के जो है फिर से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आदर्श आचार संहिता को दृष्टिगत रखते हुए आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय या सह गोदाम में किसी भी जनप्रतिनिधि का फोटो चस्पा ना हो। मतलब से विभाग का कहना है कि आपके गोदाम में या फिर आपके केंद्र पर किसी भी प्रकार का किसी भी प्रतिनिधि का कोई फोटो या फिर कोई बैनर नहीं लगा हो। साथ ही कहा गया है कि ड्राई राशन के वितरण करते समय पॉलिथीन आदि में किसी भी जनप्रतिनिधि का फोटो चस्पा ना हो, कोई भी ऐसा बैनर या पंपलेट अथवा प्रचार प्रसार संबंधित कोई भी प्रदर्शित वितरण ना करे। आगे बताते चले कि कहा गया है, आप स्वयं एवं मुख्य सेविकाएं किसी भी जनप्रतिनिधियों की रैली अथवा कार्यक्रम में प्रतिभाग ना करे, एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिका को भी रैली अथवा कार्यक्रम में प्रतिभाग ना करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करे। अगर किसी भी विभाग के महिला कर्मचारी, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, साथ में जितने भी एमडीएम रसोईया के कर्मचारी हैं, उन सभी को कहा गया है कि यदि कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हेतु बाध्य होना पड़ेगा एवं वह स्वयं उक्त हेतु उत्तरदायित्व होगी। बता दें इस बाबत तमाम जिलों के कार्यक्रम पदाधिकारियों को इसके बारे में निर्देश दिया गया है और साथ ही तमाम विभागों को भी आदेश दिया गया है कि सभी केंद्रों पर इस चिट्ठी को भेजने का काम करे और एक एक महिला कर्मचारियों को इसके बारे में बताने का काम करे, जिससे वो किसी भी प्रकार के चुनावी संबंधित दौरा में वो शामिल नहीं हो सके। देखिए निर्वाचन आयोग का साफ और स्पष्ट रूप से कहना है कि किसी भी महिला कर्मचारी अगर
वो सरकारी विभागों में काम कर रही हो, आउटसोर्स से काम कर रही हो, अवर्गीकृत कर्मचारियों के रूप में काम कर रही हो, तो ऐसे महिला कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना स्वीकार नहीं होगा और महिला कर्मचारियों पर कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाएगी। इसीलिए आप तमाम महिला कर्मचारियों से खास अपील किया गया है कि आप लोग किसी भी प्रकार के जो जनप्रतिनिधि है जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके रैली में आप लोगों को शामिल नहीं होना है और आप लोगों के केंद्रों पर किसी भी प्रकार के किसी भी जनप्रतिनिधि का फोटो, बैनर या भी किसी भी प्रकार का कोई भी पॉलिथीन नजर नहीं आना चाहिए।